महमा प्रखंड के बलबड्डा थाना अंतर्गत एक गांव में सोमवार को सरकारी जमीन पर 27 लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर पक्का मकान, झोपड़ी, बाउंड्री, दुकान आदि बनाकर रह रहे लोगों को महमा अंचलाधिकारी खगेन महतो के निर्देश पर प्रशासन का बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव को राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश प्रधान महासचिव बनाए जाने से जनता दल के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं में काफी खुशी की लहर। मुड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव के द्वारा मुड़ियाहाट के माली संथाली में विधायक निधि से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया। महागामा थाना क्षेत्र की गोटाईचारी मोती सड़क श्री श्याम सेवा ट्रस्ट बजरंगबली मंदिर के समीप मोटरसाइकिल के धक्के से सेवानिवृत्त शिक्षक मोतीलाल टेबरीवाल उम्र 75 वर्ष महागामा निवासी जख्मी हो गए। वहीं ललमटिया पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन के जरिए आनन फानन में उन्हें बेहोशी की हालत में महागामा अस्पताल लाया गया। अब मौके पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर कुमार विवेकानंद, डॉक्टर अभिषेक सानू, डॉक्टर नुरुल हक ने उनके उपचार किए। घंटों उपचार के दौरान सोमवार की शाम 5 बजे अस्पताल परिसर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं चिकित्सक से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सर में गंभीर चोट लगने की वजह से ब्रेन हैमरेज होने के कारण उनकी मौत हो गई। क्या है सर मरीज का हिसाब किताब? ब्रेन हेमरेज का केस था, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 140/2 120 था। अभी क्या है स्टेटस? अभी तो नो मोर है। क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का मोतीलाल डिबेला। चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। सूत्रों के अनुसार घायल जवान को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया, इसके बाद खेलगांव से मेडिकल ले जाया गया। जवान का नाम नारायण छत्री है। जवान असम के गोलाघाट के रहने वाले हैं। जवान का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों ने कहा कि बुलेट निकाल दी गई है, जवान की स्थिति खतरे से बाहर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पत्रांक दिनांक 30/1/2021 के पत्र के आलोक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के आदेशानुसार किसान के समर्थन में आगामी 10 फरवरी बुधवार को सभी जिला के प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त महोदय गोड्डा भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन समिति एवं सांसद मद विधायक मद अनाबद्ध निधि मुख्यमंत्री विकास योजना पर्यटन विकास शाखा द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक उप विकास आयुक्त महोदया गोड्डा अंजलि यादव विकास शाखा प्रभारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गोड्डा मोहम्मद एजाज आलम प्रखंड विकास पदाधिकारी पुड़ैयाहाट सुंदर पहाड़ी गोड्डा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त महोदय गोड्डा भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में जनता दरबार में आए हुए आवेदनों पर संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जनता दरबार में आए हुए आवेदनों पर गहन जांच कर संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भंजित्री ने धरवाड़ी पंचायत के रुकाडी गांव की सखी मंडल की महिलाओं द्वारा रंगीन मछली पालन हेतु किए जा रहे कार्यों की वास्तविक से अवगत हुए। साथ ही उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूह के 10 दीदियों द्वारा अपने अपने घरों में रंगीन मछली को लेकर कर रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पूरे लगन के साथ आप सभी कार्य करें ताकि जिले और भी प्रखंडों की दीदियों को धीरे धीरे रंगीन मछली पालन की रोजगार से जोड़ा जा सके। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने सभी फ्रंटलाइन कर्मियों से विशेषकर पोषण सखी सहिया सरकारी कार्यालयों के कर्मी से अपील की है कि कोविड वैक्सीन के लिए आप सभी का रजिस्ट्रेशन किया गया है लेकिन जिला की उपलब्धि कोविड वैक्सीनेशन के क्षेत्र में केवल 20% है। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पोषण सखियों से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र जाएं एवं टीकाकरण कराएं। महागामा प्रखंड अंतर्गत अल आमीन ग्राउंड सरोतिया में एक दिवसीय डे नाइट मैच का आयोजन किया गया जिसमें फाइनल का उद्घाटन खादी बोर्ड एसोसिएशन मंत्री अवधेश प्रजापति एवं आरटीआई एक्टिविस्ट प्रदीप कुमार विद्यार्थी ने फीता काटकर किया।